हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पर। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.3। 8.3 का रूल कुछ इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मैं सारे रूल आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रो में ही करवा देती तो बच्चे इतने सारे रूल को देख करके ही डर जाते और सोचते कि ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। रीज़न, फॉर्मूले रूल इतने ज़्यादा हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हर एक्सरसाइज के साथ आपको रूल करवाते हैं। जो रूल जिस एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है हम उसी पे करवाते हैं ताकि बच्चे इजीली उसको लर्न कर सकें और फॉर्मूले को सॉल्व करके क्वेश्चन में फिट कर सकें। अब क्वेश्चन आपका ये इस तरीके से है, कैसे हमें क्वेश्चन में फिट करने हैं हर फॉर्मूले को, तो उसके लिए आप देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए आते हैं आप क्वेश्चन में। साइन में मैंने इंट्रो में आपको समझाया था कि साइन आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, वो उसमें चला था 8.1 में। लेकिन अब इसके लिए प्रोसेस ये है कि साइन किसका अपोजिट होता है आप बताएं। साइन किसका होता है, नीचे वाले कॉसेक का। मैंने रूल क्या बताया था कि बेटा ऊपर वाला एस नीचे वाले सी का अपोजिट होता है, तो आप साइन का अपोजिट कॉस को बताएंगे। ऊपर वाला सी नीचे वाले सेक का अपोजिट होता है, सी और एस और टेन कॉट का। यही रूल इंट्रो में भी बताया था ना आपको हमने, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये सब चीज़ें समझाई थी। लेकिन अब क्या करना है, साइन कोसेक का होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसके थ्रू ये लिख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन 1/cosec भी रूल बन सकता है क्योंकि इसका अपोजिट होता है। क्लियर, कॉस सेक का तो 1/sec लिखेंगे, टेन कॉट का होता है 1/cot भी लिखेंगे। क्लियर, और कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेन की जगह साइन अपॉन में कॉस भी लिख सकते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस हाइपोटेन्यूज और आपका ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज दोनों कैंसिल हो जाते हैं, परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, यही होते हैं। तो परपेंडिकुलर किसका है, साइन का, तो साइन लिख दिया। बेस किसका है, कॉस का, तो बेस की जगह कॉस लिख दिया। वेरी सिंपल, क्लियर ना। नेक्स्ट कॉट, मैंने टेन का पॉजिटिव बताया था तो अब कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/10 लिख देंगे। इसको चेंज कर देंगे कॉस अपॉन में साइन, इसके रूल को भी चेंज कर देंगे, सब अपोजिट होगा। क्लियर, सेक कॉस का होता है, जहां मैंने 1/sec लिखा है वहां क्या लिखेंगे, 1/cos, राइट। नेक्स्ट कॉसेक साइन का, तो आप 1/sin भी उसको लिख सकते हैं। क्लियर, ये आपका इसमें रूल था, जो जिसका अपोजिट होता है उसे हमने अपॉन में करके उसके नीचे लिख दिया। अब प्रोसेस आता है, ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ रहा है ना बच्चों को। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, ये रूल कुछ इस तरीके से कहता है, जहां आपका साइन 90 होगा, 90° माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, तो आप बता रहे हैं इस प्रोसेस में कि हमारा रूल ये कहता है कि साइन किसका अपोजिट होगा, कॉस का। सिर्फ इसी वाले में होगा ऐसा और किसी में नहीं होगा, ना 8.1 में होगा ना 8.2 में होगा, बट 8.3 में तब होगा जब इसके साथ 90 लिखा होगा। यही एक ऐसा रूल है जिसमें 90 आपका लिखा होगा। क्लियर, 10 कॉट का, सेक कॉसेक का, साइन 90 जहाँ लिखा है तो आप साइन 90 की जगह अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे ही कॉस 90 की साइड अंडरलाइन कर देंगे, टेन 90, कॉट 90, सेक 90, कॉसेक 90, क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे। आप किस में चेंज होंगे वो हम आपको लिखते हैं। साइन 90 किस में बताया मैंने, कॉस में, तो हम यहाँ कॉस लिखेंगे और थीटा जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ लिखेंगे, कोई डिग्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉस साइन की जगह साइन थीटा, 1090 कॉट में कन्वर्ट हो गया और आपका कॉट 10 में। देखिए कितना इजी हो रहा है ना, तो थोड़े थोड़े मैंने फॉर्मूले हर एक्सरसाइज में उसी के अकॉर्डिंग करवाए हैं। सेक 90 कॉसेक में होगा और कॉसेक 90 सेक में होगा, तो थोड़े थोड़े रूल करने से बच्चे अच्छे से लर्न भी कर पाएंगे और क्वेश्चन में अटेम्प्ट भी कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। क्लियर, अभी हम ये साइड रफ कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं इसमें पुट करना समझाऊंगी, ये तो बच्चों को लर्न ही हो जाएगा। क्लियर, चलिए करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन 80 डिग्री कॉस 72, दोनों का टोटल 90 होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला पुट होगा, नहीं तो नहीं होगा। रीजन, क्योंकि हम जब इसको माइनस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से साइन किया आपने, ब्रैकेट 90 में से आप क्या माइनस करें जो आपका आंसर 72 आ जाए, तो आप 72 को माइनस ऊपर लिख देंगे इस तरीके से, और नीचे का प्रोसेस बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक ही को करना है हमें, या तो ऊपर का या नीचे का। बच्चे सोचते रहते हैं 90 में से क्या माइनस करें, जो 80 करने भी बैठ जाते हैं कि 90 में से 80 को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या डिजिट आएगी। अरे जिसका टोटल 90 आएगा, अगर आपने 90 में से इसको माइनस किया तो ये आंसर आएगा, 90 में से इसको माइनस किया तो ये आंसर आएगा। तो डायरेक्ट सेम इस तरीके से पैटर्न में डायरेक्ट लिखेंगे, टफ वर्क बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर? अब साइन 90 मैंने आपको बताया, साइन 90 अंडरलाइन भी किया, किसके अकॉर्डिंग है? कॉस का। तो हम साइन 90 की जगह क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे, और 72 एज इट इज, माइनस का साइन नहीं आता इसमें। नीचे वाला प्रोसेस हमने चेंज ही नहीं किया था, ऊपर वाला भी सेम करने के लिए वही प्रोसेस किया था, इसीलिए अब दोनों सेम पार्ट्स आ गए। इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। देखिए जब जब डिजिट आपकी सेम होती है तो क्या करते हैं, जैसे ये 2/2 होगा, कैंसिल किया आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। ऐसे ये भी तो सेम है, बट इसमें ना कैंसिलेशन नहीं चलता, कैंसिलेशन नहीं करते, बट डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि हमारा आंसर 1 आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है बच्चों को? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन। जहां मैंने ऊपर न्यूमरेटर में चेंजिंग की थी, अब सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में चेंजिंग कर सकते हैं। आप ऊपर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा सबका। ठीक है, एक बार मैंने ऊपर करना चेंज सिखाया, नीचे करेंगे तो क्या ऊपर वाले को चेंज करेंगे? नहीं, मैंने अभी कहा हम नीचे वाले को करेंगे तो नीचे वाले का ही प्रोसेस चेंज होगा। क्या कॉट लिखा है? कॉट 90 माइनस 64 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऊपर वाला, ठीक है, जिसको मैंने चेंज नहीं किया था। दोनों सेम होंगे तभी तो कैंसिलेशन चलेगी, इतना भी ध्यान रख लेना एग्जाम में, कभी वहीं जाके पजल हो जाओ कि करना क्या था। अब कॉट 90 वही चीज, कॉट 90 का प्रोसेस किस में बताया मैंने चेंज करने का? 10 में, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 10 में 26, दोनों सेम, कैंसिलेशन किया 1, ये आंसर, ये देखिए हो गया आपका आंसर। कोई टफ था? कुछ भी टफ नहीं था। ठीक है, अब करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, अभी अपॉन में ना करके एक सीरीज में आ गए। किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे? वही प्रोसेस, पहले मैं इसमें चेंज करना सिखा देती हूँ फर्स्ट पार्ट में, फिर आप सेकंड पार्ट्स में करना सिखाऊंगी। प्रोसेस वही सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। तो कॉस 90 माइनस, हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनका टोटल 90 है, बिल्कुल है, इनका टोटल 90 है, बिल्कुल है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के, तो 90 में से क्या माइनस करें जो 48 आ जाए? करने मत बैठना, वही लिखना 42, क्योंकि दोनों का टोटल 90 था, पीछे का चेंज मत करना, राइट? ये अब कॉस 90 साइन होता है, वही प्रोसेस, 42 सेम, साइन 42। अब सेम डिजिट, देखो ये भी साइन 42, साइन 42 माइनस करेंगे, जब किसी सेम डिजिट को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। वही रूल इसमें भी फॉलो करना है। क्लियर? तो हमने रूल फॉलो किया, रूल फॉलो करने पर हमारा आंसर कितना आ गया? 0। कैंसिलेशन मत करना, मार्क्स कट जाते हैं, कैंसिल नहीं करना, एज इट इज ऐसे ही छोड़ना, राइट? अब इसके सेकंड पार्ट को चेंज कर सकते हैं बच्चे, प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट पार्ट को भी चेंज कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें, क्लियर? बट मैं सेकंड में भी बता देती हूँ, रूल वही कि दोनों का टोटल 90 आना चाहिए। सेक 90 माइनस क्या लिखेंगे? 31। आप इनको माइनस भी करेंगे ना तब भी यही आएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम वेस्ट थोड़ी करना है अपना एग्जाम के अंदर। कॉसेक 31 माइनस सेक 90, अभी बताया सेक 90 किसका है? नीचे वाले कॉसेक का, तो आप क्या लिखेंगे? कॉसेक ही लिखेंगे। 31 सेम, माइनस का साइन नहीं आता, ये वाला साइन नहीं आता, ये आएगा क्योंकि क्वेश्चन का है। अब देखिए दोनों सेम, कॉसेक 31, कॉसेक 31 इज इक्वल टू 0। आंसर क्लियर हो गया सब बच्चों को? फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे हमने आज आपको कराए इस वीडियो में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।